हेरा फेरी 3 के सेट से पिक्चर्स हुई लीक। अक्षय, परेश और सुनील ने प्रोमो के लिए शूटिंग की कंप्लीट। हेरा फेरी 3 के तीसरे पार्ट को लेकर ऑडियंस के बीच जबरदस्त क्रेज है। जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से ही फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दिनों फिल्म को लेकर एक बिग अपडेट सामने आई है। फिल्म की कास्टिंग से लेकर फिल्म का डायरेक्शन कौन करेगा सब एकदम कंफर्म हो गया है। बीते दिन मुंबई के एम्पायर स्टूडियोज में सुनील शेट्टी, परेश रावल और अक्षय कुमार को देखा गया, जहां तीनों मिलकर हेरा फेरी 3 के लिए शूट कर रहे थे। वहीं अब इस फिल्म के सेट से पहली तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी नजर आ रहे हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि परेश रावल जहां बाबू राव के अवतार में नजर आ रहे हैं, तो वहीं खिलाड़ी कुमार राजू के अंदाज में एकदम रंगीले दिख रहे हैं। साथ ही सुनील भी शाम से सीधे सादे अवतार में दिख रहे हैं। वैसे फैंस के लिए ये तस्वीर किसी तोहफे से कम नहीं है। अक्षय के फिल्म से इनकार करने के बाद उन्हें वापस सेट पर देखना वाकई चमत्कार है। फिल्म को लेकर एक और बिग अपडेट जो हमारे हाथ लगी है वो ये है कि हेरा फेरी 3 का टाइटल हेरा फेरी 3 नहीं होगा, बल्कि फिल्म का टाइटल हेरा फेरी 4 होगा। दरअसल मेकर्स ने फिल्म के तीसरे पार्ट को फोर्थ के नाम से एड्रेस करने का सोचा है। मेकर्स का कहना है कि जब फिल्म रिलीज होगी और लोग ये फिल्म देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि फिल्म का टाइटल क्यों चेंज किया गया, क्योंकि वो उससे रिलेट कर पाएंगे। आपको बता दें कि पहले फिल्म में कार्तिक आर्यन के होने की खबर थी। परेश रावल ने एक फैन के ट्वीट का जवाब देते हुए कार्तिक को फिल्म का हिस्सा बताया था। ऐसे में अब अक्षय की वापसी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। वेल, फैंस तो पहले से ही क्लियर थे कि अक्षय के बिना हेरा फेरी की हेरा फेरी का मजा किरकिरा हो जाएगा, और लगता है कि अक्षय को भी समझ आ गया है कि फैंस ने जो भी कहा है सही कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।